हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी, हेल्थी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। आज है साल का पहला दिन और मैं आपके साथ न्यू ईयर रिजोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे और आपको साथ में मिलके लेना है एज अ मॉम एंड एज अ वूमन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला रेजोल्यूशन है कि हमें अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। यूजुअली हम मदर्स की टेंडेंसी क्या होती है कि बच्चों की छोटी से छोटी प्रॉब्लम हम बड़ी बना देते हैं, और हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस साल हमें अपने हेल्थ इश्यूज़ पर भी ध्यान देना है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े से भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको एक्शन लेना है। सेकेंड रेजोल्यूशन हमें लेना है कि पूरे दिन भर के स्केड्यूल में हमें थोड़ा सा टाइम निकालना है, एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज, जो भी करना चाहते हैं, पर 10 मिनट्स का टाइम ज़रूर निकालिए। 2020 ने हमें सिखा दिया है कि हमारी हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को भी हेल्दी नहीं रख सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम आपको अपने लिए देना है। थर्ड रेजोल्यूशन है कि हम इस साल को बिल्कुल गिल्ट फ्री रखेंगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका ब्लेम हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि शायद हमारी वजह से हुआ है। थोड़ा सा भी टाइम जब अपने लिए निकालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया है। इस साल को हमें गिल्ट फ्री रखना है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम घर पर नहीं रहते हैं तो हम नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने से अच्छा है कि हम पॉजिटिव पॉइंट्स निकालें कि बच्चा हमारा इंडिपेंडेंट होना सीख रहा है। 2400 घंटे बच्चे को आपके ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट रेजोल्यूशन आता है कि अगर आपकी कोई भी हॉबी है, डेफिनेटली उस हॉबी के लिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। यूजुअली हम ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं हम उसके लिए टाइम नहीं देते हैं, ये सोचकर कि हमें अपने बच्चों को टाइम देना है। पर जितना देर हम बच्चों के साथ रहते हैं उसमें भी हम कुछ देर मोबाइल देखते हैं या फिर कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, तो अल्टीमेटली कुछ टाइम तो हमारा वेस्ट हो ही जाता है। तो उस टाइम को निकाल के आप अपनी हॉबी में लगाइए। अगर कोई भी काम आपको हैप्पी करता है तो डेफिनेटली आप उसमें अपना आधा घंटा लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रेजोल्यूशन है कि चाहे हमारे बच्चे कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाए, कितना भी इंडिपेंडेंटली खेल रहे हैं अपने टॉय से, हम उनके साथ 1-to-1 बात रोज करेंगे। 1-to-1 कन्वर्सेशन जो होता है, आंख से आंख मिला के बात, उनके साथ बैठकर खेलेंगे और जितना हो सके हम उनको टाइम देंगे। नेक्स्ट रेजोल्यूशन हमारा है कि हमें अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनना है। यानी कि अगर आप स्क्रीन कम देखते हैं तो बच्चा भी स्क्रीन कम देखेगा, अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं तो बच्चा भी हेल्दी खाना खाएगा, अगर आप पॉजिटिव बातें बोलते हैं तो बच्चा भी पॉजिटिव बात बोलेगा। तो हमें बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनना है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन हमारा है कि अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं तो यूजुअली हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमें उतना टाइम नहीं मिल रहा है, और हम बहुत, हमारी जो लाइफ होती है, हमारी जो भी बातें होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, वो बच्चों के आसपास ही घूमती रहती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा टाइम अपने पार्टनर के लिए भी निकालें। उसके बाद नेक्स्ट रेजोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करिए। यूजुअली क्या होता है कि मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स का वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, पर मेरा वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम खुद ऑर्गेनाइज हों, उसके बाद हम दूसरों को ऑर्गेनाइज़ करें। उसके बाद लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है कि हर चीज़ की प्लानिंग करेंगे। आप अगर पूरा साल है आपके पास, अगर आप मंथली प्लान करते हैं, मंथ में भी हम वीकली प्लान कर सकते हैं, और वीक में भी हम डेली प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे बच्चे ने नया नया खाना स्टार्ट किया है तो हमें उनका नेक्स्ट डे का खाना हमारे पास है या नहीं है उसको आपको प्लान करना है, ताकि लास्ट मोमेंट स्ट्रेस ना हो जाए कि ये चीज़ तो नहीं है। बिकॉज अगर आपको बाहर निकलना है, ऑफिस निकलना है, तो आपके पास अगर लास्ट मोमेंट पर ये पता चलेगा आपको कि चीज़ें नहीं है उसके खाने की, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हर चीज़ को प्लान करिए, और अगर आप दिन भर में कुछ टाइम फिक्स कर देंगे कि इस टाइम पे आपको अपने बच्चे के साथ खेलना है या फिर अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो इस तरह की प्लानिंग जब हमारी की हुई रहती है तो हमें स्ट्रेस नहीं होता है कि आज हम नहीं पढ़ा पाए या फिर आज हम नहीं खेल पाए बच्चे के साथ, क्योंकि हमारा वो फिक्स है तो यूजुअली वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये रेजोल्यूशन है हमारे 2021 के। अगर आपने कोई रेजोल्यूशन लिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर हम सबके साथ शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।